तो अब हमें सॉल्व करना है टेस्ट योर सेल्फ 9.2। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योर सेल्फ इज डिफाइन द लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका आंसर पेज नंबर 6 पर मौजूद है। द लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज प्रेजेंटेड बाई गोल्डबर्ग एंड वेज इन 1869 एंड स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। उसके बाद जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड। इसका आंसर भी पेज नंबर 6 पर है। एन एक्टिव मास इज कंसीडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका आंसर पेज नंबर 9 पर इसी टेस्ट योरसेल्फ के नीचे आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। और इसमें एक फार्मूला भी देंगे। After that, we have to solve the question number 4. Point out the coefficients of each in the following hypothetical reactions. ये hypothetical reactions हैं, ये original reactions नहीं हैं। और इसमें हमने number of coefficients को point out करना है, यानी number of moles को बताना है हमने। तो यहाँ पर हमारे पास ये reaction है कि 2A when combines with 3B in a reversible reaction, it forms 4C plus 2D. In this reaction, the components of this reaction are A, B, C and D. Components का मतलब इस reaction के अज्जा क्या हैं, A, B, C और D, और इनके coefficients क्या हैं कि 2 is the coefficient of A, 3 is the coefficient of B, 4 is the coefficient of C and 2 is the coefficient of D. उसके बाद है हमारे पास second reaction 4X in a reversible reaction forms 2Y plus 3Z. तो इसमें components क्या हैं, X, Y और Z. और कॉफिशेंट्स क्या हैं, x का कॉफिशेंट या नंबर ऑफ मोल्स हैं 4, 2 जो है वो y का कॉफिशेंट है और 3 जो है वो z का कॉफिशेंट है। c में आप देखेंगे 2m plus 4n combines to form 5o और इसमें हमारे पास कॉम्पोनेंट्स हैं m, n, o और कॉफिशेंट्स हैं 2, 4 एंड 5।